जब अंजू मिश्रा को एक दिन ये पता चलता है कि उसके पति शैलेश की एक मंगेतर भी है तो उसे गहरा सदमा पहुंचता है। उधर मंगेतर करुणा ये पता चलने पर कि उसका होने वाला पति शादीशुदा है वो गुस्से में पागल हो उठती है और दोनों शैलेश मिश्रा को मारने की ठान लेते हैं। अंजू शैलेश की कॉफी में ऐसी दवाई मिलाती है जिससे वो चलने फिरने में नाकाम हो जाता है। अंजू अपने पति को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और ये काम करुणा करती है। शैलेश की लाश को जमीन में गाड़ दिया जाता है। पति की हत्या करने के बाद घबराई अंजू मन बहलाने के लिए जब टीवी लगाती है तो अंजू, मैं हूँ शैलेश, तुमने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना, मैं तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा हूँ। देखो ना, ये जगह बनाई है ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। एक और कब्र खोदूंगा करुणा के लिए। तुम आ रही हो ना अंजू? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊं। अच्छा, मैं आ रहा हूं अंजू। हेलो हेलो करना, मैं अंजू बोल रही हूँ। वो हम दोनों को मार डालेगा। वो कब्र खोद रहा है मेरे लिए। तुम क्या अनशन बक रही हो अंजू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं आ रही हूं वहां पे, ठीक है? 10 मिनट में पहुंचती हूं। इसमें तो मेरा नाम लिखा था, तो आप कहां है? ये तुम्हारा वहम है अंजू और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रही हूं, मैंने उन्हें टीवी में देखा है। चलो कैसे चला लगा। गुड मॉर्निंग। तुम तुम्हारे कमरे में ही हो। कल रात बेहोश हो गई थी। लकीली आई एम अ नर्स, मैंने तुम्हें दवाइयां दी और यहां ऊपर ले आई। अब तो तुम ठीक हो ना? कल रात वो वीडियो पे दरवाजे पे खटखटा, कल रात तुम्हारा ब्रेकडाउन होने वाला था। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर पुलिस आएगी, उसके ऑफिस के लोग आएंगे, सब पूछेंगे वो कहां गया, तो फिर क्या करोगी तुम? यू हैव टू बिहेव एज इफ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। कल रात वाला ड्रामा करोगी ना तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि उसके डिसअपीयरेंस में तुम्हारा हाथ है और उसकी मौत में भी, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अपने आप को संभालो, नहीं तो हम दोनों ही डूब मरेंगे। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। हमने उसे मार दिया है, चांद से मार दिया है और जमीन में दफना दिया है, उसे दफनाया है। कितने प्यासे हो तुम, है ना? चिंता मत करो, तुम्हें पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। धूप का आनंद लो और पानी का भी। हाँ हाँ, तुम्हें भी पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी।
प्यास लगी है, पानी दो ना प्लीज, पानी दो ना प्लीज, पानी दो ना। अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो अंजू? क्या हुआ? वहाँ बाहर कहाँ? एक हाथ, उसने मेरे पैर को। क्या हाथ? पैर कहाँ? क्या हुआ? गार्डन में। ओफो, चलो तुम मुझे दिखाओ। नहीं, 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 अरे मैं नहीं आऊंगी। मैं हूं ना साथ में, आओ। एक तो तुम चुप हो जाओ, शांत आ जाओ, मुझे दिखाओ क्या हुआ, कहाँ है? कहाँ? वहां, वहां पीछे गमलों के बीच। पर तुमने देखा क्या? जमीन में से एक हाथ आया, उसने मुझसे पानी मांगा, और फिर उसने मेरे पैर को दबोच लिया। एक हाथ ने तुमसे पानी मांगा? हाँ, जो हुआ वही तो बता रही हूँ, मजाक की बात नहीं है, मेरी तो जानी निकल गई थी। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वहाँ कुछ हुआ जरूर था। अंजू, तुम्हारा पाँव किसी पौधे में उलझ गया होगा या कोई और चीज लग गई होगी पैर से। तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं पागल हूँ, ये सब कुछ इमेजिन कर रही हूँ? जरा दरवाजा मत खोलना। अरे ये क्या बचपना है अंजू, सारी जिंदगी बंद कमरे में बैठने का इरादा है? इट्स प्रॉब्ली जस्ट अ पोस्टमैन और समथिंग।